राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर आरटीओ बैरियर के समीप हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बस की जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सवार बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार दोनों बसें बिलासपुर की तरफ आगे पीछे जा रही थी। जब दोनों बसें नालियां के समीप पहुंची तो प्राइवेट बस के आगे जा रही हरियाणा रोडवेज की बस के चालक ने अचानक बस को ब्रेक लगा दी, जिसके चलते उसके पीछे आ रही बस उससे टकरा गई। हादसे में दोनों बसों के शीशे टूट गए। गनीमत इतनी रही कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की चोट नहीं आई। घटना के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात जाम हो गया। मौके पर पहुंची स्वारघाट पुलिस ने दोनों बसों को किनारे कर यातायात जाम खुलवाया। बता दें कि स्वारघाट में सवारी उठाने के चक्कर में और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये हादसा हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क मार्ग को खुलवा दिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर। कैप्टन संजय पराशर द्वारा जसवां परागपुर क्षेत्र को मोतियाबिंद मुक्त करने का महाअभियान जारी। पहले चरण में कुल 67 स्वास्थ्य शिविरों का हुआ आयोजन। 44,210 लाभार्थी पहुंचे शिविरों में, वितरित किए लाखों के स्वास्थ्य उपकरण। अब दूसरे चरण में मई महीने से नी शुल्क आँखों की जांच शिविर होगी आयोजित, जिसमें हर मंगलवार को अस्पताल रोड डाडासीबा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, इंग्लिश क्लिनिक सेंटर नारी घाटी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, हर शनिवार को नजदीक गैस एजेंसी परागपुर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और बीआर मैरीटाइम कार्यालय रखकर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9817602482 9459050759।